हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नाथा प्रथा के बारे में। तो ये नाथा प्रथा क्या है इसके बारे में जानेंगे, और क्यों ये चर्चा में है इसके बारे में भी जानेंगे। तो आपको जल्दी से ये वीडियो शेयर कर देना है, और अगर आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सीटेट के लिए डेली लाइव क्लास शुरू हो गई है, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लास्ट ईयर में और प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उस क्लास में भी आप डेली जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाथा प्रथा के बारे में। नाथा प्रथा क्या है? तो हाल ही में यह चर्चा में आया नाथा प्रथा या नाटा प्रथा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसे हम NHRC के नाम से जानते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नाथा प्रथा को खत्म करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा यह उसी तरह से है जिस तरह से जो मानव तस्करी है, उसी तरह से ये एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। मानव अधिकारों का उल्लंघन और शोषण माना है नाटा प्रथा को। तो यह प्रथा जो है ये लड़कियों की भलाई को कमजोर करती है, उन्हें शिक्षा से वंचित करती है ये, और हिंसा और दुर्व्यवहार जो लड़कियों के साथ होता है इस प्रथा से, उसके बारे में NHRC ने जो है एक कदम उठाने की बात की है। अब NHRC ने ये नाटा प्रथा के बारे में बोला है, तो जान लेते हैं ये नाटा प्रथा है क्या। तो नाटा प्रथा जो है एक तरह से एक सामाजिक बुराई है। नाटा प्रथा सामाजिक बुराई क्यों मानी गई है, पहले बात जान लेते हैं नाटा क्या है या नाता। नाता जो शब्द है इसका मतलब है एक नृत्य परंपरा, परंतु इसमें नृत्य जैसा कुछ भी नहीं है। यह एक प्रथा है जिसमें छोटी लड़कियों और अक्सर नाबालिगों को अनिवार्य रूप से अस्थायी विवाह के रूप में बेच दिया जाता है। तो यह एक सामाजिक बुराई है। क्या है ये? एक सामाजिक बुराई है। और इस तरह की जो सामाजिक बुराई है, बुराइयां हैं, उन्हें हमारे समाज में खत्म होना ही चाहिए। तो अब NHRC ने ये बोला है, इसके बारे में क्यों बोला है, क्या होता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में ये प्रथा प्रचलित है। तो नाता प्रथा वहां प्रचलित है, और खास तौर पर जो आर्थिक रूप से जो संघर्ष कर रहे परिवार हैं, कमजोर परिवार हैं, वो अपनी बेटियों की शादी इस तरह से कर देते हैं, जिसको कि नाता प्रथा कहा जाता है। यानी एक ढीले ढाले ढंग से, या किसी को बेच दिया, या जिस इन शादियों की कोई कानूनी वैधता नहीं होती है, सिर्फ स्टाम्प पेपर पर दस्तावेज बनाए जाते हैं, और कई बार वो भी नहीं बनाए जाते हैं, और ऐसे ही जो है किसी को जो है पैसे के लिए लड़कियों को बेच दिया जाता है, या कह दिया जाता है कि उनका विवाह उसके साथ कर दिया गया। ये एक उत्तेजक प्रकृति के नृत्यों की भी अपेक्षा इसमें की जाती है लड़कियों से। ये लड़कियों का शारीरिक शोषण भी है, उन पर ये अत्याचार की तरह है, और यहाँ तक कि जो वो पैसा लेकर के जो शादी की जाती है, वो पैसा लड़की के परिवार वालों को मिलता है, और वो लड़की के परिवार वाले पैसे लेकर के लड़की को बेच देते हैं। अब जो गरीब परिवार हैं उनमें ऐसी प्रथा अक्सर देखने को मिलती है। तो ये नाता प्रथा जो है इसका क्या प्रभाव होता है, इस पर बात कर लेते हैं। नाता प्रथा का काफी जो है हानिकारक प्रभाव माना गया है, और इसका काफी हानिकारक और विनाशकारी प्रभाव होता है लड़कियों पर, जिन लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती है या पैसे के लिए उन्हें बेच दिया जाता है, तो इस कारण से वो अपनी शिक्षा से भी वंचित हो जाती हैं, और उन्हें ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जो उन्होंने कभी अपने लिए चुनी ही नहीं थी। तो इससे उन्हें शारीरिक और भावनात्मक शोषण का भी सामना करना पड़ता है, और इसका अक्सर उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके हानिकारक प्रभाव हैं नाटा प्रथा के, जो देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसको जो है बंद करने के लिए बोला गया है, इसको समाप्त करने के लिए बोला गया है। अब इसको समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? वैसे तो जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाते हैं, पॉस्को जैसे कानून भी हैं, पॉस्को जैसे कानून हैं, पर इन सब कानून के होते हुए भी इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में मौजूद हैं, आज भी ऐसी प्रथाएँ मौजूद हैं। कुछ NGO सामाजिक कार्यकर्ता जो है समुदायों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं, परिवारों को बताते हैं इनसे क्या खतरे हैं, वो लड़कियों के अधिकारों की वकालत भी करते हैं। तो यही सब प्रयास बहुत जरूरी हैं जिससे कि इसको जो है खत्म किया जा सके। साथ ही और भी
जो कानूनी प्रक्रियाएं की जा सकती हैं वो भी की जानी चाहिए और इसको इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने नाथा प्रथा के बारे में बात की, आप अच्छे से जान चुके हैं कि नाथा प्रथा क्या है और ये हाल ही में क्यों चर्चा में है। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और जो चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं हाल ही में, तो आपको जो है लगातार सीटेट के प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है वो अटेंड करनी है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।